हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए भूगोल में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाला हूँ, भू संसाधन तथा कृषि, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये हमारा चैप्टर है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भू उपयोग का वर्गीकरण, भारत में भू उपयोग परिवर्तन, साझा संपत्ति संसाधन, भारत में कृषि भू उपयोग, कृषि के प्रकार, भारत में फसल ऋतुएँ, भारत की फसल प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें और रेशेदार फसलें, इसके साथ साथ अन्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे और भारत में कृषि विकास, ये इस चैप्टर में है मेन मेन। तो सबसे पहले जानते हैं कि भू संसाधन क्या होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग भिन्न भिन्न रूपों में करता है। भूमि का उपयोग व्यक्ति बहुत बहुत प्रकार से करता है, जैसे कि कृषि, चरागाह, इमारतें, सड़क, खेल का मैदान, औद्योगिक इकाई आदि। तो इसलिए इसे भू संसाधन कहा जाता है। भू संसाधन इसे कहा जाता है क्योंकि इससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिन चीज़ों से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें संसाधन कहा जाता है, और भूमि से भी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो इसलिए इसे भू संसाधन कहा जाता है। भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख भू राजस्व विभाग, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि भारत की प्रशासकीय इकाइयों के अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र की उचित जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दी जाती है। तो इसके बाद भू राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों में अंतर पाया जाता है, दोनों ही आंकड़ों में अंतर पाया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी और भू राजस्व विभाग में। भू राजस्व विभाग द्वारा तैयार क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण कुल भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित एवं अस्थायी होता है। अब देखते हैं भू उपयोग का वर्गीकरण। भूमि का उपयोग कई प्रकार से भारत में किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो वनों के अधीन होते हैं, यानी कि जिस भूमि क्षेत्र पर वास्तविक रूप से वन अथवा वहाँ के वनों के विकसित होने की संभावना होती है, उस क्षेत्र को वनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिस पर वन होते हैं, विकसित होने की संभावना होती है, उसे वन के अधीन क्षेत्र माना जाता है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, बहुत सी भूमि ऐसी है जो गैर कृषि कार्यों में होती है, जैसे कि फैक्ट्रियों में, बस्तियों में, नगरों में, सड़कों के द्वारा घिरी हुई होती है, तो उसे गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। बंजर एवं व्यर्थ भूमि, वह भूमि जिस पर कोई कृषि नहीं की जाती है, तो उसे बंजर भूमि कहते हैं। जैसे कि कृषि कार्यों के लिए जो नहीं बनाई जा सकती, बंजर भूमि कहलाती है, जैसे कि पहाड़ी भूमि, मरुस्थल भूमि, खड्ड आदि, सब बंजर भूमि है। नेक्स्ट है अस्थाई भूमि, अस्थाई चरागाह भूमि, जिस पर चरागाह का कार्य किया जाता है उसे चरागाह भूमि कह लेते हैं। ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को स्थाई चरागाह भूमि कहलाते हैं, जिस पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि में केवल एक छोटे भाग पर निजी स्वामित्व होता है। ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, जो ग्राम पंचायत के अधीन आती है उसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, उद्यान एवं फलदार वृक्ष वाली भूमि को विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत भूमि में शामिल किया जाता है। इस प्रकार की अधिकतर भूमि का भूमि पर निजी स्वामित्व होता है। आगे अब देखते हैं आगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। इसे नवीनतम कृषि तकनीक द्वारा कृषि योग्य बनाया जाता है, जो 5 सालों से उपयोग में नहीं होती है तो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है, लेकिन उसमें कृषि की जा सकती है, 5 साल से वह प्रति है, यानी कि उस पर फसल नहीं उग रही है। वर्तमान प्रति भूमि, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक
कृषि रहित रहती है, यानी कि 1 साल तक जो कृषि रहित रहती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने तथा प्राकृतिक रूप से भूमि की क्षीण उर्वरता को वापस लाने के लिए भूमि को प्रति रखा जाता है। एक है पुरातन प्रतिभूमि, वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है, पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। यदि कोई भूमि 5 वर्ष से अधिक समय तक खाली रहती है तो उस भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सम्मिलित कर लिया जाता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सबसे पहले वाली कैटेगरी में आ जाती है। एक है निविल बोया गया क्षेत्र, निविल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती है उसे निविल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि इस पर लगातार कृषि की जाती है। तो यह भारत की भूमि के बारे में अभी चर्चा की गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थव्यवस्था का आकार, भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन या भू उपयोग में वृद्धि एवं कमी के कारण को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।